अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफात करीम, एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन बिहार के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आपसे रूबरू हूँ। पिछला वीडियो हम लोगों ने डाला था होम्योपैथी केस के अपडेट के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ बात करनी है। आप लोगों को मालूम होगा कि होम्योपैथी का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए हम लोग AUP की तरफ से इंटरवेंशन के लिए दिल्ली भी गए थे और अलहमदिल्ला जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया। हाँ, उसमें कोई नया अपडेट रोज़ाना नहीं आता है, बल्कि रोज़ाना कुछ ना कुछ हम लोग का काम वही हिसाब से पड़ता है, कुछ ना कुछ पेपर देना पड़ता है जो उनके कम्युनिकेशन से काम हो रहा है। अगली सुनवाई 9 का डेट डाला गया है, पहले से हम लोग को मालूम है, लेकिन उस डेट पर क्या होगा ये अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा है उसका। ठीक है, जो बातें उनसे हुई हैं वही हिसाब से हुई हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं। इंशाल्लाह उस केस में जिन लोगों ने भी पिटीशन डाला है वो जैसे पटना हाई कोर्ट में डिस्पोज हुआ है, इंशाल्लाह वहाँ भी डिस्पोज हो जाएगा मामला। हमारा वही मामला कहना है कि जो हमारा मामला 20 का है वो रिटेन रहे, हमारा उसमें नुकसान नहीं हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी वो ये कि जिस एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने केस दर्ज किया है, इंटरवेंशन फाइल किया है, उस एसोसिएशन को मजबूत बनाना है और इस पर फोकस वकील साहब का भी था कि दो तरह से मजबूत बनाना है। एक जो मेंबर की सूरत में कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए आपके एसोसिएशन के, उतना ही वो मजबूत होगा, उतना ही बेहतर तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो ये है, और दूसरा जो इसका इक्तसादी पहलू है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं केस में तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इशूज़, और उसका भी हल इस मेंबरशिप में शामिल है। अगर हम मेंबर बढ़ाते हैं तो हमारा जो ये इकोनॉमिकल इशूज़ है उसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो AUP के जो लोग मेंबर हैं और जो कोर टीम है और जो भी लोग इसको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ पेपर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं तो वेलकम है, आप जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग जो कर सकते हैं वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचाएँ कि हम लोग इस मामले को लेकर के आगे हैं, परसू कर रहे हैं और उसको हल करने के लिए हमको मेम्बरशिप बनाना है। हमारी स्पेशल गुजारिश है स्टूडेंट से जो कि अलग अलग कॉलेज में हैं, खास करके हमारे गया कॉलेज में निज़ामिया गया कॉलेज, सिवान गया कॉलेज है, उसी तरह से सूफिया कॉलेज चकिया का है और दरभंगा का जो सल्फिया कॉलेज है, इन कॉलेज के स्टूडेंट से मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि आप लोग अपने कॉलेज लेवल पर जो लड़के एक्टिव हैं उनका एक टीम बना लीजिए और उस टीम का काम ये होगा कि वहाँ के स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करें। और अगर आप लोग ये बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से AUP आपको बैकअप देगी या सपोर्ट करेगी या एक किसी को नॉमिनेट कर लेगी, आप लोग में से जो एक्टिव होंगे उसको नॉमिनेट कर लेगी और फिर उस नॉमिनेटेड जो स्टूडेंट होंगे उनका काम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़े, उसका मेम्बरशिप बढ़ाएँ। हम लोग के पास जितने लोगों का डाटा आया है, जितने लोग मेम्बर हैं पहले से और जो लोग अभी मेंबरशिप के लिए अपना डिटेल भेजे हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों का पूरा डिटेल नहीं है, तो मोबाइल नंबर से बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। अगर आप लोगों में से किसी ने पूरा डिटेल नहीं दिया है, पूरा डिटेल में हमें चाहिए अपना नाम, फादर्स नेम और होम डिस्ट्रिक्ट, साथ में मोबाइल नंबर, ये चार चीज़ हमें चाहिए। चार चीज़ आप लोग जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है उसके थ्रू एक बार भिजवा दें ताकि वो डाटा अच्छे से हम लोग फीड कर सकें। ठीक है, और बाकी अपडेट इंशाल्लाह ज़रूरत के हिसाब से हम लोग देते रहेंगे। इसमें पॉलिसी में क्या है उसकी बहुत सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोग क्या क्या वहाँ पर डाले हैं, क्या क्या दिए हैं, क्या क्या हमें मांगा गया है, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल टीम है वो देख रही है, इंशाल्लाह उसमें कोई कमी नहीं होगी। जिसने भी क्लेम किया है वो क्लेम डिस्पोज हो जाएगा। हम इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।